रात के 10 बज चुके हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। आज हम दिखाएंगे आपको रात की दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीस राज। दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? आखिर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है भी ये कि नहीं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे रात में कि आखिर दिल्ली कितना सेफ है, कितना सुरक्षित है। बेटर हो रही है दिल्ली, अच्छा लग रहा है, लेकिन लोगों की मेंटेलिटी खराब है दिल्ली में। क्राइम का कोई डर लगता है तुम्हें? बिल्कुल लगता है भाई। दिल्ली में हमेशा PCR वैन पुलिस हर जगह मिलते हैं। नहीं भाई, रात को ऐसा कोई डर वर तो लगता नहीं। हालांकि मैं गया हूँ 2-3 बार CP गया हूँ मैं रात को अपने दोस्तों के साथ 2-3-4-5 बजे, लेकिन ऐसा सुनसान जैसा तो कभी होता ही नहीं है दिल्ली में, आपको पता। हाँ, प्रशासन अच्छी है, बेटर हो रही है दिल्ली, अच्छा लग रहा है, लेकिन लोगों की मेंटेलिटी खराब है। दिल्ली की गलती नहीं है, प्रशासन की भी उतनी गलती नहीं है, लेकिन जो लोग खराब है उनके साथ जाति किया जाता है। मैं कह, अगर कोई बुरा है तो बुरा को बुरा ही रहने देना चाह रहा है, उसको कोई एक्चुअल में जिसके साथ जैसा स्टेप लेना चाहिए ना, बहुत ही स्लो प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा टाइट होना चाहिए। तो आपके पास कोई ऐसा किस्सा है जो सुनाना चाहती हैं? हाँ, मैं जब दिल्ली पहली बार शिफ्ट हुई, मैं सामने एक एरिया में रहती थी, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी। तो मेरा दरवाज़ा खुला था, मैं ऐसे ही लाई डाउन करके थी बेड पे, ठीक है, हल्का सा, जिससे अपने रूम का सबसे ऑल टाइम कोई लॉक करके रखता है, कभी कभी खुला रहेगा। नीचे वाला एक दुकानदार था, वो विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी कुछ, वो रूम पे आके बैठ गया मेरे बेड पे, बोले चाय पिलाओ। मैं क्या करती, मैं गाली देना शुरू हो गया। ही वॉज लाइक, अब तो हम लोग पड़ोसी हुए ना, अब हमारे ऊपर में रहते, जब पड़ोसी कब बनाए आपको, दोस्त बन कब बने आपको, मैं ठीक से जानती तक नहीं हूँ। तो उसी दिन मैंने रूम चेंज कर लिया। हमारे यहाँ पे मकान, कुछ लोग बुरे होंगे ऐसा नहीं है, सब बुरे नहीं होते। जो हम लोग मकान मालिक नया मिला, वो हमें बहुत हेल्प किए, हमें रहने का बहुत अच्छे से इंतजाम। प्रशासन से कभी मदद लेने की कोशिश करी आपने? हाँ, एक आध बार अच्छी हुई है, मेट्रो में बहुत सारे लोग हमें हेल्प किए हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था रूट का, बहुत लोगों ने हेल्प किया, पुलिस वालों ने बहुत हेल्प की है रोड गाइड करने में, समझाए मुझे ट्रैफिक वाले पुलिस बहुत अच्छे से समझाए, अच्छा लगा। जी तो भाई कोई घटना नहीं देखी ऐसा, मतलब दिल्ली का क्या सीन है ना, कभी सुनसान होती नहीं है रोड सड़कें, मतलब तो ऐसा कोई डर वाला तो कोई सीन नहीं है। आप दिल्ली में तो बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं एज कम्पेयर टू नोएडा एंड गुड़गांव। दिल्ली में हमेशा PCR वैन पुलिस हर जगह मिलते हैं। यही अशोक नगर में यहाँ मेट्रो एक रहता है, एक वहाँ पे आगे ठेका है वहाँ रहता है, एक अंदर गली में, और 12 बजे रात को पूरा PCR और बाइक से सब पुलिस वाले निगरानी करते हैं। ऐसे दिल्ली तो कहा जाता है कि दिलवालों का है, लेकिन आए दिन क्राइम लगातार बढ़ते जा रही है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्राइम तो पूरे देश में है, पाला नंबर तो सिर्फ दिल्ली में नहीं है, और एज कम्पेयर टू अदर प्लेस दिल्ली में क्राइम बहुत कम है। दिल्ली में हाईलाइट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ है, मीडिया है, तो यहाँ की खबरें दिखाते हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ क्राइम ज़्यादा है। और जगहों पर हर जगह नहीं पहुँच पाते हैं, जहाँ गांव में रोज़ किसी को मार दिया जाता है, किसी को काट दिया जाता है, और उसकी खबर नहीं आ पाती है, हमें लगता है कि वहाँ पे क्राइम कम है। कहाँ रहते हो दिल्ली में? न्यू अशोक नगर में, मालदा मार्केट। और बताओ कुछ? बहुत परेशानी, क्या दिक्कत है? रात को डर नहीं लगता क्राइम हो जाए, कभी रात को जाते हुए कुछ हो जाए? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें क्या मतलब, किस चीज़ से ज़्यादा डर लगता है दिल्ली में? दिल्ली में अभी तक तो भाई किसी से डर नहीं लगा ऐसा, दिल्ली में कहीं पे क्राइम होने में डर नहीं लगता? हमको नहीं लगता, जब हम कोई गलती ना करें भाई। बिल्कुल सही है, दिल्ली में और जगह के मुकाबले यहाँ क्राइम बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे हमारा न्यूज़ है प्लस मीडिया होने की वजह से हम यहाँ के खबर जल्दी मीडिया में आ जाती है, लेकिन जो हमारे गाँव, जो बिहार से हो गया चाहे अदर का स्टेट हो गया, वहाँ खबरें न्यूज़ में जल्दी नहीं आ पाती है, क्योंकि दिल्ली के पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हर जगह मतलब के पुलिस तो हर टाइम से नहीं पहुंच सकता ना, तो क्राइम तो हो ही जाती है, लेकिन फिर भी दिल्ली बहुत है मतलब के अच्छी सेफ है हमारे लिए। दिल्ली में क्राइम का कोई डर लगता है तुम्हें? बिल्कुल लगता है भाई। नहीं भाई, ऐसी कोई सिचुएशन तो नहीं आई कि डर लगे मतलब अकेले में, ऐसा तो कुछ।